अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल और करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और कॉर्बेट की छुट्टियां खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको चिकन चाउमीन बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत आसान है। अगर बाज दफ़ा किसी बहन को, बच्चियों को कोई लगे कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, इतना कुछ है, तो वो डिवीजन कर सकते हैं खानों। जैसे अगर तीन हिस्सों में कोई भी खाना पकाने लगे, उसके 3-4 पार्ट्स बना लें, बहुत ईजी है फिर पकाना। चले, सबसे पहले मैंने एक पतीली को चूल्हे पे चढ़ा दिया और उस पर आप मुनासिब पानी ले लें, कोई भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जितनी आपके नूडल्स हों। मैं इसमें 2 पैक नूडल्स डालूंगी और चूल्हा हमने ऑन कर दिया। इसमें आप नूडल्स इस तरह रखें, ये खुद ब खुद जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा वैसे वैसे नूडल्स खुद ब खुद नीचे बैठते जाएंगे। इतना तो पकाना चाहिए कि पूरी फैमिली, छोटी पूरी फैमिली ये आसानी से इसको खा सके। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड करूंगी। चलें, अब इसको हम पकने देते हैं। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट करते हैं। वो भी तकरीबन 15-20 मिनट हमें लग जाने हैं। सबसे पहले 1 चम्मच सोया सॉस का, टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून हम लेंगे सिरके का। उसके बाद हम लेंगे नमक 1/2 चम्मच, लहसुन का पाउडर हम लेंगे 1 चम्मच। लहसुन का पाउडर भी मैंने घर पर ही बनाया है, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगी। फिर मिर्च 1 चम्मच, वन फोर्थ हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 1 पिंच के मुताबिक हम इसमें शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे मसालों को, थोड़ा सा सिरका और ऐड कर देंगे। अब मैंने 400 ग्राम चिकन ले लिया बोनलेस, इसके क्यूब्स मैंने बना लिए। अब हम इसे रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। हमारे तैयार हो गया, अब इसको हम स्ट्रेन करेंगे। ठंडा पानी इसमें ऐड करेंगे तो ताकि चिपचिपाहट इसकी खत्म हो जाए। जो इसका चिकनापन है वो भी इसके खत्म हो जाएगा। अच्छी तरह इसको आपने वॉश कर लेना है, साथ ही थोड़ी देर तक, साथ ही आपने इसका ऑयल इसमें ऐड कर दें ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके ना। ऑयल मैंने ऐड कर दिया 1-2 चम्मच। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं, अगला प्रोसेस तैयार करते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, चिकन को फ्राई करें। ये चिकन हमने इसमें शामिल कर लिया है, अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हमारा तैयार है, अब हम इसको निकाल लेंगे और अगले स्टेप की तरफ हम चलेंगे। ये स्टेप 2 हमारा हो गया। अगली हमने सॉस बनानी है और वेजिटेबल, हम इसकी सॉस की तरफ आते हैं। सबसे पहले सॉस लेंगे सोया सॉस 2 चम्मच, ये देखिए ये वाले चम्मच ले लें या वो मेजरमेंट वाले ले लें, दोनों का जो मेजरमेंट वो एक ही है। ये 2 चम्मच मैंने सोया सॉस के ले लिए, 3 चम्मच चिल्ली सॉस,
थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। एक चम्मच चिल्ली गार्लिक सॉस लेंगे, दो चम्मच हम लेंगे ऑस्टर सॉस, एक चम्मच हम लेंगे शुगर, शुगर को अच्छी तरह मिक्स करना है, एक चम्मच हम लेंगे काली मिर्च टीस्पून, नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी दो चीज़ों में नमक ऐड कर लिया है, अगर आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अपनी सॉस को देते हैं। ये देखिए अब सब्जियों की बारी है। आधी बंद गोभी मैंने इस तरह स्लाइस में काट ली, सभी की शक्ल जो है वो एक जैसी बनानी है। दो किस्म की मैंने शिमला मिर्च बना ली, इस तरह आपने फिंगर के लुक में आपने बनाना है, और ये गाजर। अब हम इनको फ्राई करते हैं। दो चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया, घी ऑयल जो भी आपकी मर्जी है, जो आपके पास अवेलेबल है वही चीज़ें ऐड करें। इसमें मैंने हम वेजिटेबल थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। तीन चम्मच हम ऑयल के डालेंगे, इसमें मैंने एक चम्मच पेस्ट ऐड कर दी है, इसको हल्का सा भूनेंगे। लहसुन अदरक का मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया, हल्का सा इसको भूनना है, इसका कच्चापन जो है हमने वो खत्म करना है। ये हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप। किसी भी खाने को आप स्टेप में डिवीजन कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा पकाना, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ शौक होना चाहिए। इसमें मैंने नूडल्स ऐड कर दिए, अब हम चिकन ऐड कर देंगे इसमें, उनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम अपनी सॉस इसमें ऐड कर देंगे, साथ ही हम अपनी फ्राई जो वेजिटेबल्स है वो ऐड कर देंगे। चाउमीन हमारी तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपनी राय भी दें हमें कैसी लगी है। जब आप बनाते हैं हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।